भाई जा सेट ना जा भाई भाई आप थोड़ा आ जाइए। हाँ भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आपको पूरा कब्रिस्तान है। इसको जो है ना ये लोग गैर उससे जो है कब मुतवली बन गए, कब आ गए आगे आगे दरगाह को नमाज पढ़ रहे मैं बात करूँ। बोलिए भाई, बोलिए, आवाज मत करो भाई। परमिशन दी, कब दी थी परमिशन आपको? 17/11/2021 में परमिशन दी। क्या बोल के परमिशन दिया था आपको? मूल्य बनाने के लिए सामने। तो नहीं नहीं, आपको झाड़ा काटने का इसका परमिशन साफ सफाई का कोई दिए? साफ सफाई का 2021 में दिया। तो जब का काम आप क्यों करें आप? हम लोग बल्दिया में प्रोसेस चला, मैं तो प्रोसेस चल रहा। तो सुनिए, आप प्रोसेस जैसा चल रहा प्रोसेस का काम करिए, लेकिन ये सब चीजें मत करिए। आप कब्रिस्तान में मलगिया नहीं बना सकते, कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। सिर्फ झाड़ा क्योंकि साफ करेंगे। सुनिए, आप मलगिया नहीं, जरा अरे कब्रिस्तान से करिए। खबरों का हम काटा है भाई, बोर्ड में रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रोसीडिंग नहीं दिए कोई अभी तक, नहीं प्रोसीडिंग नहीं है। गंज के सामने जो लाइब्रेरी के सामने का कब्रिस्तान है, कल रात से कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, उसके इंस्पेक्शन के लिए खासकर हमारे एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ भी, और खासकर जितने लोग मुकामी लोग और जिस जिस के खबर थे वो लोग भी, उनके फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर आकर हमारे को वक्फ बोर्ड में कंप्लेन देने की जानिब से हम आए, आके पूरा इंस्पेक्शन करें, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को भी बुलाए, बुलाकर इमीडिएट जो ये काम करे हैं उनके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना और FIR करने के लिए हम वो कर दिए। और जितने यहाँ पे खबर जो भी तोड़े गए हैं वो सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा और सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और विदाउट वक्फ बोर्ड परमिशन, यही बोल के नहीं, कहीं भी तेलंगाना स्टेट में अगर कोई ऐसी हरकत हो रही है आप हमारे से रुजू होइए, इमीडिएट हम उनके ऊपर FIR करा। सब इसके अंदर ये ठीक है, मुतवली जो है जी, एक मुतवली है दूसरे उस पे आगे बने जी। जो लेडीज है यहाँ पर अभी जो है वो बोल रहे के दावा करके वो मुतवली है, इस पे आप क्या देखिए, तौलियत की हद तक, मुतवली शिप की हद तक वो कोर्ट से वक्फ बोर्ड से देखा जाएगा। अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम है खबरें जो तोड़ने की, हमारे को जो कंप्लेन आई है उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेंगे। और जो भी ये करे हरकत, चाहे वो मुतवली रहने दीजिए, वक्फ बोर्ड कोई भी रहने दीजिए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अच्छा, आज के बाद कोई नया जनाजा आया तो उसको यहाँ दफन करना, वो हम परमिशन दे देते, परमिशन लेके बात करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को कब्रिस्तान ही रहने दो। ये जो साफ कर रहे हैं लोग, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आखिरी घर है अपना, आखिरी मुकाम है, ये मुकाम को बर्बाद कर दे रहे हैं। और यहाँ पर मलिया बनने वाले कहते हैं बिल्डिंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं अल्लाह ही जाने, क्योंकि मेरे वालिद की भी खबर अंदर ही है। और अपन भी यहाँ के जो अफजलगंज के जो कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान ही चाहिए। और ऐसी ऐसी खबर थी भाई, एक एक सील अपन 10 आदमी मिलके नहीं हिला सकते, वो खबरों के सिलों को भी गायब कर डाले लोग। मैं नहीं था भाई, और ये लोग रातों को करने के थे काम, ये दिन में भी नहीं कर रहे। झाड़ा काट दिए, 100-100 साल के झाड़ा होंगे, झाड़ों को जरा पेड़ के पास जाके देखो आप, वहाँ पर जाके वहाँ पर भी वीडियो बनाओ, देखो ऐसा ऐसा झाड़ काट दिया लोगों, पूछे नहीं जाना। मालूम ही नहीं चल रहा भाई, पता ही नहीं चल रहा है बाउंड्री में, अब कौन देखते वहाँ पर। अब मालूम हुआ हमारे को ऐसा ऐसा हो रहा, बोले तो मैं आया, और मैं भी नहीं था, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। आप यहाँ कब से रहते थे? मेरा बचपना पूरा यहाँ का है भाई। कोई है, मेरे वालिद की खबर है अंदर, मेरे वालिद की खबर है अंदर। मैं वालिद की खबर बताता हूँ, अफजलगंज के बड़े बड़े रुस्तमों के खबर आए अंदर। दरगाह किसकी आपको मालूम है क्या?
दरगाह का नाम नहीं मालूम भाई। दरगाह तो एक ज़माने से हमारे बचपन से दरगाह देखते थे हम, दरगाह है मगर वो दरगाह में कुछ नहीं। वो दरगाह के पास ये आलम रहता था एक दौर में, यहाँ पर गांजा बिकता था। नहीं नहीं बात सही है, वही दरगाह के पास कोई जानने पहचानने वाला नहीं था। ये मुजावेरा किधर किधर से कि आ गए, मुतवल्ली ये कहते वो है कहते। ये दरगाह के लोग कर रहे हैं, हाँ जेसीबी कौन चलाते भाई, अपने पास पैसा हराम का है लाके करने के बाद, और किसी की खबर तोड़ना कौन करते, खबर तोड़ दे रहे और तोड़ दिए, ये पूरा लेवल कर दिए ना, तो ये पूरे खबर थे, पूरे खबर लेवल कर डाले ये। और एक एक खबर के पास का पत्थर अपन 10 आदमी नहीं ला सकते थे, वो खबरों के पत्थर थे, काले सिला जो आते ना काले, ऐसे सिला थे पूरे।